बनारस की गलियों में आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे वैसे। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ का बेस्ट नाश्ता ट्राई करना। एक प्लेट दीजिए आप। ठीक है, तो थोड़ी सब्जी। तो टीका लगवा लिया हमने, काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा लगा लिया। मात्र 20 रुपये में टीका लग जाता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा कोई अगर मांगे तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, सब चूना लगाने के चक्कर में रहेंगे। तो अगर आप कभी भी बनारस आते हो तो मेरे बनाए हुए प्लान से अगर चलते हो जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो काफ़ी आपका टाइम सेव होने वाला है और इनफैक्ट आपके साथ कभी फ्रॉड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पर। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। आरती घाट से हमने शुरू किया था, तो अभी हम लोग का प्लान है केदार घाट तक ऐसे ही वॉक करके जाना, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। तो अभी जा रहे हम लोग बोट राइड से। तो यहाँ का जो लोकल प्राइस है वो 150 to 200 वेरी करता है। ख़त्म और बोट राइड भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी जाने वाले हम लोग काशी चाट भंडार, जो कि गदौलिया साइड में है नंदी चौराहे पर, कुछ 15 स्टेप्स आगे उसके। तो चलते हैं और खाते हैं, बहुत भूख लगी यार। अच्छे से नाश्ता हमारा हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं मान महल ऑब्जर्वेटरी, जो कि काफ़ी पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है 600 मीटर वॉक्स। तो ये है मान महल ऑब्जर्वेटरी। तो आप ऑनलाइन कराते हो तो कुछ ऐसा आपको टिकट मिल जाएगा, तो मैंने तो ऑनलाइन करा था, 20 रुपये इसका एंट्री फी है। तो अभी एंटर करते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, यहाँ पे 3D एनिमेशन में दिखाया जा रहा है पूरा। तो मेरा यहाँ आने का एक ही रीज़न था, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी और भीतर में पूरा AC ऑन है, तो 20 रुपये में पूरा AC का मज़ा, ऊपर से 3D मूवी भी दिखा रहे हैं घंटों की, तो भाई सिनेप्लेक्स का मज़ा है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ है वे टू ऑब्जर्वेटरी, तो देखते हैं, काफ़ी मस्त सी जगह है। तो जिनको नहीं पता है उनको ये बता दो ये क्या चीज़ है। ये असल में पुराने ज़माने की टाइम बताने वाली वॉच है,
जो कि काफ़ी बढ़िया साइज में, तो इसे टाइम पता करते हैं शेडो को देखकर इसकी। तो अभी तो अपना पास अपना वॉच है, उससे टाइम देख लेंगे, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही है। ये भी एक इसका मिनीचर वर्जन है, ऐसे पता कर सकते हैं इसका टाइम। तो अभी देख सकते हैं 10:30 बज रहा है यहाँ पे, 10 मार्क किया हुआ है, तो ये बीच में 11 और 10 के बीच में 10:30 हो रहे हैं यहाँ पे। सो अभी ऑब्जर्वेटरी से बाहर निकल चुका है, अभी हम लोग जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, जो कि गेट यहाँ से है, पर इस जगह को कहते हैं कॉरिडोर, और यहीं पर होती है गंगा आरती, और ये है राजेंद्र प्रसाद घाट। वैसे यहाँ के मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं वही जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर इसको दे सकते हैं हम लोग, उसके बाद करेंगे दर्शन, फिर शाम को लेंगे बोट राइड, फिर उसके बाद है गंगा आरती 6:30 बजे के आसपास, उसके बाद खाने वाले हम लोग कुछ ऑथेंटिक खाना यहाँ का। तो ब्लॉग देखते रहो यार, सब्सक्राइब और चैनल को नहीं किया तो भाई छोड़ रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी बनारस के सीरीज के ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर एंड कर दें, और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तब के लिए कमेंट्स में लिख देना हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।